जहानाबाद में सबसे सस्ता अंग्रेजी दवाखाना जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हो गया। डीएम अलंकृता पांडे एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। जी हां, जहानाबाद में तमाम लोगों के लिए राहत के रूप में जन औषधि केंद्र अंग्रेजी दवाखाना का जहानाबाद के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे व पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया एवं डीएम अलंकृता पांडे ने खुद घूम घूम कर मुआयना किया एवं संतुष्टि व्यक्त की। इस मौके पर पीपीएस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अभिराम सिंह, मानस विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर, पीपीएम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एस के सुनील, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, समाज सेवी नवीन कुमार, प्रहलाद भारद्वाज, एएनएस कॉलेज के ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर अनवर हुसैन सहित काफी संख्या में गण्यमान्य बुद्धिजीवी एवं अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर जन औषधि केंद्र के संचालक चंदन कुमार ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं सम्मानित किया। इस अवसर पर जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि जहानाबाद में सदर अस्पताल के बगल में जन औषधि केंद्र के खुल जाने से आम लोगों को काफी राहत होगी। जो भी लोग महंगी दवाएं खरीदते हैं उन लोगों के लिए जन औषधि केंद्र काफी राहत व सहूलत देगा। वहीं इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने जन औषधि केंद्र के संचालक को एवं जहानाबाद के लोगों को बधाई दी और कहा कि निश्चित तौर पर जहानाबाद के लिए एक बेहतर कार्य किया गया है जिससे गरीबों को आम जनों को काफी राहत मिलेगी। वहीं इस मौके पर जन औषधि केंद्र के संचालक चंदन कुमार ने सभी का आभार जताया और कहा कि काफी प्रयास के बाद जहानाबाद में जन औषधि केंद्र लाने का अवसर मिला है। जो भी लोग जन औषधि केंद्र की दवा खरीदने के लिए पटना गया या अन्य जगहों पर जाते थे अब उन सभी लोगों के लिए जहानाबाद में शिवाजी पथ अरवल मोड़ पर पतंजलि के पास जन औषधि केंद्र खुल गया है। अब लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि जन औषधि केंद्र की दवा सबसे बेहतर और सबसे सस्ती है जिसकी जरूरत जहानाबाद के आम लोगों को कब से थी वो अब पूरा हो गया। लोगों की जरूरत भी पूरी होगी और एक सेवा का माध्यम भी बनेगा। एस के मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सेंटर एक खोला गया है पीएम जन औषधि का और हम लोग ये आशा करते हैं कि अफोर्डेबल मेडिसिन इसके द्वारा मरीजों को प्राप्त होंगी और उनको इलाज में काफ़ी सुविधा होगी और अस्पताल के पास में ही है तो इससे भी मरीजों के लिए और ज़्यादा सुविधाजनक होना चाहिए। इसलिए मैं जन औषधि के जो केंद्र के संचालक हैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और प्रशासन का सपोर्ट इस स्कीम के लिए और संचालन के लिए बना रहे हैं। पहले इन चीज़ों के लिए गया पटना जाना पड़ता था तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ दवाई में उचित मूल्य पे मिलेगी। बताया जा रहा है कि जो दवा पे जो बिचौलिया होते थे उसके हटके दवा जी बिचौलिया तो नहीं लेकिन जो फार्मा कंपनीज के द्वारा दवाएं हैं उनमें कई बार प्राइस डिस्पैरिटी होती है तो यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन जो है वो काफ़ी किफ़ायती दामों पर लोगों को उपलब्ध होंगी और मरीजों को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। क्या फायदा होगा लोगों को? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है, केंद्र सरकार की योजना है और इसमें दवाई जितने भी मेडिसिन हैं 50 से 90% तक कम मूल्य पर उपलब्ध है। क्या लोगों को फायदा होगा इससे? जो मेडिसिन आप बाहर में आप 4,000 में खरीद रहे थे वो सारी मेडिसिन आपको यहाँ पे लगभग 1100 से 1200 में आ जाएगी। जैसे आप पैंट फोटे ही बाहर से खरीदते हैं 12 रुपये में एक गोली मिलता है लेकिन यहाँ पे आप खरीद रहे हैं तो आपको 12 रुपये में एक पत्ता मिल रहा है 10 पीस। लगभग सारे मेडिसिन आ चुके हैं, कुछ अभी और आना बाकी है जो उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर सारे मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध। कितना इनका कम्युनिकेशन दवा का कितना क्वान्टिटी है? 2000+ क्वान्टिटी इसमें मेडिसिन का है और 3000+ सर्जिकल प्रोडक्ट्स का। जिलेवासियों को क्या कहना? जैसे पहले भी लोगों ने सहयोग हमें दिया है आगे भी उम्मीद करते हैं कि जन औषधि ऐसे मैं समझता हूँ एक तरह से सेवा ही है। प्रयास रहेगा कि सब लोग को उचित समय पर उचित मूल्य पर सारा दवाई हमेशा मिल जाए।